संगमित्रा मौर्य का क्या होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों संगमित्रा मौर्य से अपना पल्ला झाड़ने लगे? लेकिन इस बीच में संगमित्रा मौर्य की एक तस्वीर जो कि अखिलेश यादव के साथ की है वो वायरल हो रही है। कहा यह गया कि संगमित्रा मौर्य ने गुपचुप तरीके से अखिलेश यादव से मुलाकात की, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही दोनों तरफ से इसका खंडन आ गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी खंडन आ गया कि यह तस्वीर पुरानी है, और संगमित्रा मौर्य की तरफ से भी यह खंडन आ गया कि यह गलत है, उनकी कोई मुलाकात अखिलेश यादव से नहीं हुई। लेकिन इस वक्त इस तस्वीर के वायरल होने का या फिर सामने आने का, सरफेस पर आने की वजह क्या है? दरअसल संगमित्रा मौर्य का टिकट अधर में लटका हुआ है। उन पर इस वक्त संशय बना हुआ है कि क्या बीजेपी बदायूं से उन्हें चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, और बहुत मुमकिन है कि बीजेपी उन्हें बदायूं से टिकट ना दे। ऐसे में क्या उनके रास्ते भी समाजवादी पार्टी के लिए खुले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो जब तक टिकट बंटवारा ना हो जाए तब तक अखिलेश यादव भी इस पर पत्ती खोलने को तैयार नहीं। लेकिन अखिलेश यादव के नजदीकी सूत्रों का मानना है कि ये चैप्टर क्लोज है, यानी कि अगर उन्हें बीजेपी टिकट दे ना दे, समाजवादी पार्टी उन्हें अपना टिकट नहीं देने जा रही। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अखिलेश यादव के खिलाफ हाल ही में उन्होंने मोर्चा खोला, अपनी भड़ास निकाली और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी का MLC पद भी त्याग दिया, उनकी पींगे बढ़ने लगी हैं अखिलेश यादव के साथ, वो अखिलेश यादव के करीब भी आने लगे। कल वो रायबरेली में थे, और रायबरेली में जब यूपी तक के हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने एक तरीके से संगमित्रा मौर्य से भी पल्ला झाड़ लिया। जब ये पूछा गया कि संगमित्रा मौर्य को बीजेपी टिकट नहीं देगी तो आप क्या कहेंगे, तो उनका कहना था वो बीजेपी का हेडेक है, वो बीजेपी की सांसद हैं और बीजेपी उनके साथ जो चाहे करना चाहती है करे, उनका उनसे कोई मतलब। लेकिन क्या पिता होने के नाते कोई दर्द है, ये पूछा गया। जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पिता के बताए रास्ते पर अगर उनके बाल बच्चे नहीं चले तो फिर उसमें पिता का कोई दोष नहीं। तो कुल मिलाकर के संगमित्रा मौर्य ने तो एक तरीके से बीजेपी की राह पकड़ रखी है, पिता ने समाजवादी पार्टी की राह छोड़ दी, लेकिन उन्हें बीजेपी की राह रास नहीं आ रही, वो बीजेपी आ नहीं सकते, बीजेपी वाले उन्हें पसंद नहीं करते। समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें एक तरीके से थोड़े मेलजोल जैसी चीजें दिखती हैं, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा कहाँ दिया है, किसे दिया है उन्हें नहीं मालूम, यानी कि अभी भी अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरी तरीके से अलग नहीं मान रहे। ऐसे में संगमित्रा मौर्य को लेकर सवाल उठने लाजमी है, और ऐसे वक्त में जब उनकी तस्वीर, यानी संगमित्रा मौर्य की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आए तो फिर सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि क्या अब भी कोई गुंजाइश बची है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनका परिवार समाजवादी पार्टी में आ सकता है। संगमित्रा मौर्य ने एक जगह कहा है कि बीजेपी उन्हें टिकट देती है या नहीं देती ये तो आलाकमान का फैसला है, लेकिन बीजेपी उन्हें जो भी देगी वो इसे सहर्ष स्वीकार करेगी। तो ये मानकर चला जा सकता है कि संगमित्रा मौर्य को अगर बीजेपी टिकट नहीं भी देगी तो शायद वो बीजेपी न छोड़े, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए दरवाजे समाजवादी पार्टी के खुलते नजर आ रहे हैं। अभी भी कहा जा रहा है कुशीनगर की सीट बची है, अभी भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद के मन मुताबिक दो जगह की सीटें बांटी गई हैं, आंवला और एटा की, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चाहें या अपने परिवार को लड़ाना चाहें तो शायद वहां पर टिकटों का बदलाव किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ एक बार बीजेपी से टिकट क्लियर होने के बाद ही सामने आएगा। अब देखना यह है कि क्या दोबारा से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कदमन थामते हैं या नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ आते या आते दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन संगमित्रा मौर्य को लेकर तो बहुत बवाल है, और आपको बताएं कि संगमित्रा मौर्य और शिवपाल यादव के बीच की लड़ाई अब अदालत तक पहुंचने वाली है। कल संगमित्रा मौर्य ने बदायूं के घटनाक्रम के बाद, जिसमें दो मासूम बच्चों की गला रेतकर काटकर हत्या की गई थी
और जिसके बाद से पूरे बदायूं में बवाल बढ़ा हुआ है, उसे लेकर संगमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव पर तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ आज आदित्य यादव ने कहा है कि अब वो संगमित्रा मौर्य के खिलाफ अदालत जाएंगे, मानहानि का दावा करेंगे और फिर उन्हें अदालत में घसीटेंगे। यानी कि दोनों के बीच के रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी संगमित्रा मौर्य को टिकट देगी, इसमें बहुत ज्यादा संशय बरकरार है, और संगमित्रा मौर्य फिलहाल बदायूं छोड़कर कहीं और जाती नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में एक बात अब बिल्कुल साफ है कि संगमित्रा मौर्य को लेकर जो संशय के बादल हैं वो तो बने हुए हैं, लेकिन वो शायद बीजेपी के साथ बनी रहे। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।